स्टार प्लस की शो झनक के लिए अगर आपको मैं बोलूं कि झनक जो है लाई है एक गिफ्ट अनिरुद्ध के लिए, वेल ये गिफ्ट किस चीज के लिए है और अपने हाथों से वो पिनाती है अनिरुद्ध का अंगूठी भी, ये सब तो हम आपको डिटेलिंग इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि झनक और अनिरुद्ध के बीच में जो है हम नजदीकियां बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो आपको कैसी लगेगी इनकी नजदीकियां, तो चलिए देखिए हमारा ये ऑन लोकेशन। स्टार प्लस की सीरियल झनक में आप देखेंगे कि झनक जो है आधी रात को आई है अनिरुद्ध के कमरे में। आखिर ऐसा क्या काम था, आपको बता दें कि अनिरुद्ध की आने वाली है बहुत जल्द बर्थडे और अनि को गिफ्ट करने के लिए जो झनक है वो आती हैं कमरे में। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि झनक के हाथों में है एक तोहफा और वो आती है और कहती है अनिरुद्ध से कि वो उनका ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, वो कुछ देर बात करना चाहती है और वो उनके लिए लाई है एक स्पेशल सा गिफ्ट। वेल ये गिफ्ट देखकर जो है अनिरुद्ध थोड़े शॉक तो हो जाते हैं और पूछते हैं, तो भी कहती है झनक कि आपके काफ़ी एहसान है मुझ पर, मैं आपके लिए गिफ्ट तो लाई हूँ और मुझे अच्छा लगेगा कि आप इस गिफ्ट को लें और पहने। वेल जब अनिरुद्ध लेते हैं गिफ्ट अपने हाथ में और देखते हैं खोल के, तो उसमें निकलती है एक रिंग। जी हाँ, झनक जो है वो अनिरुद्ध के लिए लाई है एक रिंग ताकि वो हमेशा ही अपनी उंगली में पहने रखे रहे। वेल ये रिंग देखकर अनिरुद्ध तो खुश होते ही है, लेकिन जो है ये कह देते हैं झनक कि वो अपने हाथों से अनिरुद्ध को पहना दे और झनक जो है अपने हाथों से अनिरुद्ध को ये रिंग को पहना देती है। लेकिन कहीं ना कहीं झनक के दिल में ये डर भी रहता है कि अगर घर वालों ने ये रिंग देख ली तो ज़रूर सवाल पूछेंगे, और साथ ही वो अनिरुद्ध को ये एडवाइस भी करती है कि अगर कहीं आप बाहर जाएँ घूमने या फैमिलीज के साथ आउट या सेलिब्रेट करने के लिए, तो आप चाहें तो ये रिंग उतार कर घर पर रख कर जा सकते हैं। जिसे सुनकर अनिरुद्ध का जो अच्छा मूड है वो ख़राब हो जाता है और अनिरुद्ध जाकर अपने हाथ से वॉल पर मारने लगते हैं, जिसे देख झनक को काफ़ी तकलीफ होती है और वो रोकने की कोशिश करती है। लेकिन झनक जो है खुद उदास हो जाती है कि ये सोचकर कि इसने आखिर ये क्या कह दिया, और फिर वो चली जाती है कमरे से और अनिरुद्ध अंदर से लॉक कर खुद बैठ जाता है ये सोचकर कि वो झनक से कहते हैं प्यार, वो कैसे उसे समझाए। वेल बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इन दोनों की नजदीकियों को लेकर फैंस तो जैसे खुशी हो रहे होंगे और शायद अर्शी इनके दोनों के बीच में नहीं है। चलिए
जहां एक तरफ झनक ने ये कोशिश की है अनिरुद्ध को गिफ्ट देने की और हमने थोड़ा बहुत गुस्सा अनिरुद्ध का भी देख ही लिया है, लेकिन आगे क्या हैपन ड्रामा होगा ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।